बाइक फाइनली यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ से पोखरा के क्या नजारे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब। साइड में इन हिमालयस को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हाँ जी, तो आज मैं घुमाने वाला हूँ आपको पोखरा। पोखरा के आसपास के जो भी बढ़िया टूरिस्ट प्लेसेस हैं आज हम उनका भ्रमण करने वाले हैं। तो लखनऊ से पोखरा पहुँचने में हमें 2 दिन लग गए और आज हमारी पोखरा में पहली सुबह है। आई विश ऐसी सुबह हर रोज़ देखने को मिले जहाँ पे हमें ऐसे माउंटेन्स देखने को मिले, बट मेरे हिसाब से इट्स फाइन बिकॉज अगर रोज देखने को मिलेगा तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आज हमारा पोखरा में पहला दिन है तो आज हम पोखरा के आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने वाले हैं। तो भाई किसी भी जगह को घूमने के लिए या तो आप वहाँ के लोकल लोगों से पूछ लो कि कहाँ घूम सकते हैं या फिर गूगल बाबा से पूछ लो। तो हमने भी गूगल पे सर्च मारा प्लेसेस टू विजिट नियर पोखरा, तो गूगल बाबा ने हमें बहुत सारे सजेशंस दिए कि कहाँ पे हम जा सकते हैं, बट 4 प्लेसेस हमें काफ़ी समझ आए जिनके फ़ोटोज़ भी अच्छे लग रहे थे, रिव्यूज़ भी अच्छे थे और हमारी लोकेशन से पास भी थे। तो फिर क्या था यार, उठा के बाइक हम लोग निकल लिए अपने पहले टूरिस्ट प्लेस की ओर। यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क करी थी और ये है वो होटल जहाँ पे हम रुके थे। होटल हॉरिजन एंड रेस्टोरेंट करके होटल है, ठीक ठाक होटल है, यहीं पर हम स्टे कर रहे थे। सबसे पहले हम जा रहे हैं डेविस फॉल, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं। दीपक भाई व्लॉग कर रहे हैं। तो भाई पोखरा की सड़कें एकदम सुनसान थी, लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे सुबह सुबह। हमें लगा शायद सुबह है इसलिए यहाँ पर इतना सन्नाटा है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ ऐसे ही रहता है। बहुत कम व्हीकल्स आपको रोड पे नज़र आएंगे, मतलब लखनऊ की कंपैरिजन में आपको बहुत कम दिखेंगे। इसलिए भाई बड़ा मज़ा आ रहा था, इतनी प्यारी प्यारी सड़कें, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे और इतने प्यारे प्यारे लोग। गाइस अभी हम आ चुके हैं डेविस फॉल के सामने, ये है इसका गेट। यहाँ से चलो एंट्री करते हैं, पूछते हैं कितने का टिकट है, क्या सीन है। यहाँ पे तो मार्केट जैसा है, सब काफ़ी कुछ बिक रहा है भाई। ओके, ये रहा सामने गेट। 100 रुपीज़ का टिकट है भाई। यहाँ पर हमने टिकट्स ले ली हैं, 80 रुपीज़ की टिकट है नेपाली करेंसी में एंड यहाँ पर लिखा हुआ है 100 रुपीज़। तो भाई लिखा 100 है बट पड़ता 80 है। चलो चलते हैं अंदर यहाँ से। सो अभी अंदर आ चुके हैं गेट से और यहाँ पे आप देखो, ओ भाई ये है अन्नपूर्णा हिमालयन रेंज का पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है। बेसिकली जो ABC ट्रैक होता है ना, अन्नपूर्णा बेस कैंप हिमालयन रेंज, ये कुछ ऐसी है हिमालयन रेंज। और वो यहाँ से दिख तो नहीं रही है बट कुछ ऐसी है। तो काफ़ी कुछ बना रखा है नेपाल के टूरिस्ट प्लेसेस से रिलेटेड। वहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट हमें नज़र आ रहे हैं, तो शायद वहीं पे जाना है देखने के लिए। बाकी ये इधर से भी गली है, पता नहीं कहाँ जाती है। बाकी यहाँ पे भोलेनाथ की प्रतिमा आप देख सकते हो, जय भोलेनाथ। चलो भाई चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है वाटरफॉल। काफ़ी फेमस है, इसके पीछे की कहानी बहुत तगड़ी है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो भाई इस डेविस फॉल की कहानी कुछ ऐसी है। 31 जुलाई 1961 को एक स्विस कपल यानी स्विट्जरलैंड के कपल यहाँ पर आए थे एंड वो दोनों कपल इस वाटरफॉल में नहाने गए थे एंड उसमें जो लड़की थी वो इसमें बह गई और उसकी डूबकर यहाँ पर डेथ हो गई। 3 दिन बाद उसकी बॉडी रिकवर की गई। उसके बाद जो लड़की के फादर थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इस जो वाटरफॉल का नाम है उसको चेंज करके उसकी बेटी के नाम पर रख दिया जाए, क्योंकि उसकी बेटी का नाम डेविड था तो उसी के नाम पे इसे अब डेविस फॉल बोला जाता है। तो ये उसकी कुछ कहानी है। तो अभी मैं आपको सामने से दिखाता हूँ डेविस फॉल कैसा दिखता है। भाई बहुत लाउड आवाज़ है इस झरने की और यहाँ पर देखो आप ये रहा। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है वाटरफॉल। बाकी यहाँ पे आप देखो आसपास का क्या नज़ारा है। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है तो यही है डेविस फॉल।
तो डेविस फॉल को देखने के बाद हम लोग बाहर आ गए और इसके जस्ट सामने था हमारा सेकेंड टूरिस्ट प्लेस जिसको हम विजिट करने वाले थे, गुप्तेश्वर महादेव केव। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव केव में। चलो गाइस चलते हैं, देखते हैं ये कैसा होता है। सो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके की मार्केट है आसपास, और आगे शायद यहाँ का भी टिकट लगेगा। ये सामने वाली ये एंट्रेंस है, वहाँ पे टिकट काउंटर है, पहले हमें टिकट लेना होगा, उसके बाद उधर से एंट्री करेंगे और इसे गोल गोल घुमा के ये केव के अंदर जाता है। यहाँ पे विष्णु भगवान जी की मूर्ति है जो कि यहाँ पे स्लीपिंग पोजीशन में है। इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि कहीं और विष्णु भगवान की ऐसे मूर्ति कहीं देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे भी कोई कहानी होगी, बट एज यू कैन सी काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा बना रखा है, और ये है पूरा आसपास का माहौल। तो चलो भाई जल्दी से टिकट लेते हैं और चलते हैं गुफा के अंदर। दीपक भाई गुफा में डर तो नहीं लगेगा? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, पक्का पक्की बात है। चलो देखते हैं भाई क्या होता है गुफा के अंदर। ये एंट्रेंस है शायद, देखते हैं चल के। ये है गुफा और यहाँ तो अभी बल्ब वगैरह लगे हैं तो दिख रहा है थोड़ा बहुत, आगे पता नहीं कैसा हो। केव के अंदर आ चुके हैं और भाई बहुत सकरी रास्ता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और काफी ज्यादा अंधेरा है तो यहाँ पे बल्ब वगैरह लगे हैं तो दिख रहा है। ओ भाई ये आप देख सकते हो, और पता है पत्थरों से पानी टपक रहा है काफी ज्यादा। एंड यहाँ पर जब हम गुफा के एकदम नीचे पहुँच गए तो वहाँ पर हमें दिखा डेविस फॉल का पानी। तो बेसिकली डेविस फॉल में जो वाटर आता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, वो वहाँ नहीं दिखता, वो सीधा दिखता है गुप्तेश्वर महादेव केव के अंदर। तो वहाँ पर हमें वो वाटरफॉल दिखा, वो पानी दिखा, तो हमें काफ़ी अमेजिंग चीज़ लगी कि भाई कहाँ पानी डूब रहा है और कहाँ निकल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, केव में भी काफ़ी बढ़िया माहौल था, काफ़ी सारे टूरिस्ट हमें यहाँ पर नज़र आए। तो एक दो घंटे आराम फरमाने और लंच करने के बाद हम लोग निकले विश्व शांति स्तूपा की तरफ, जी हाँ वर्ल्ड पीस पगोड़ा, जो कि काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है इन पोखरा। अगर आप पोखरा जाते हो तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। एंड ये पीस पगोड़ा की डिस्टेंस हमारे महादेव केव से लगभग 2-3 किलोमीटर पर ही थी, बट ये 2-3 किलोमीटर बहुत ज़्यादा टफ थे बिकॉज जो रोड था बहुत ज़्यादा स्टीप था। तो गाइस अभी हम लोग शांति स्तूपा की तरफ चढ़ रहे थे और काफ़ी भाई खतरनाक रास्ता है, वही हम चढ़ के आए हैं। और यहाँ से जो पोखरा का व्यू आ रहा है ना गाइस, आप एक बार देखो, पूरा पोखरा सिटी हमें यहाँ से दिख रहा है। वहाँ कहीं पे स्तूपा है, बहुत ज़्यादा हाइट पर है, और यार इतनी स्टीप चढ़ाई मैंने बाइक से कभी नहीं चढ़ी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्टीप है, ऐसे करके पूरा ऐसे गोल गोल घूम, मतलब बहुत ही छोटी छोटी दूर पर ही टर्न कर दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा हाइट में। बाकी दीपक भाई कैसी लगी ये रास्ता, ये बताओ? ये रास्ता तो बहुत खतरनाक, इतनी स्टीप चढ़ाई नहीं देखी केदारनाथ, जहाँ जहाँ हम लोग गए ऐसी रास्ता कहीं नहीं दी। सो 2 किलोमीटर की बहुत ही स्टीप चढ़ाई के बाद अभी हम पीस पगोड़ा के पास आ चुके हैं। इधर से इस रूट से हम आए हैं, वहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क करी है और वो आपको टॉप पे दिख रहा होगा, यही है पीस पगोड़ा, वहीं पे हमें जाना है। तो चलो चलते हैं भाई, यहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई हैं। आर यू रेडी फॉर ट्रैक? यस ब्रो, लेट्स गो। मैं लग रहा है हवा निकल जाएगी भाई, आज ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा घूम चुके हैं। अभी हमने ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, छोटा सा ट्रैक था 15 मिनट का, लेकिन काफ़ी हालत ख़राब हो गई यार। देखो यार अभी हम कहाँ पर हैं, यहाँ से जाके सीधा ऊपर है स्तूपा, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है भाई, यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एंड यहाँ से जो पोखरा का व्यू है, माय गॉड बहुत ही प्यारा है भाई।
भाई विश्व शांति स्तूपा पर बोलना अलाउड नहीं है, वहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं साइलेंस के, तो वहाँ पर साइलेंस मेंटेन रखना पड़ता है, इसलिए हम वहाँ पर बोल नहीं रहे थे। इससे पहले ही मैंने एक शांति स्तूपा देखा है भुवनेश्वर में जब मैं गया था, बट यहाँ का जो शांति स्तूपा है ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है और यहाँ से जो पोखरा के नज़ारे हैं वो काफ़ी प्यारे हैं। बाकी ये जगह भी काफ़ी शांत है, काफ़ी फीस आप फील करेंगे यहाँ पे आके, बिकॉज ये उसी पर्पज से ही बनाया गया है। तो हाँ, यहाँ पर आना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ से आपको जो फेवा लेक है पोखरा में और बाकी जो पोखरा सिटी है उसके जो नज़ारे मिलते हैं ना बॉस, वो आपको कहीं और से नहीं मिलने वाले। अब हमारा जो लास्ट टूरिस्ट प्लेस बचा था विजिट करने के लिए वो थी महादेव की बहुत ही प्यारी सी स्टैचू। तो गाइज ये था शांति स्तूपा, हम लोग देख चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं भोलेनाथ के टेम्पल, वो रहा सामने माउंटेन पे। ये जो रास्ता गया है ऐसे ऐसे करके यही शायद वहाँ तक जाता है, तो इसी रूट से हम जाने वाले हैं। बाइक वहाँ पर हमारी खड़ी है, चलते हैं बाइक से पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या नज़ारा है। सो गाइस अभी हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट पे अपनी बाइक को लेकर आ चुके हैं, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे। पहले तो मुझे लगा कि यार मेरी बाइक यहाँ जा ही नहीं पाएगी बिकॉज बहुत तगड़ा ऑफ रोड था, बट मैंने कोशिश करी कि भाई लेके आते हैं, भाई इतनी प्यारी जगह है, ऊपर मंदिर है। पहले हम सोच रहे थे रोक देते हैं पैदल जाते हैं, बट हमने सोचा बाइक ही लेके जाएंगे, तो बाइक फाइनली यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ से पोखरा के क्या नज़ारे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, वो रही माउंट एवरेस्ट की ऊंची ऊंची चोटियाँ, और भाई इस जगह पे आके क्या फील आ रहा है यार, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि इतनी हाइट पे हमारी बाइक आ चुकी है। यहाँ पर भी आपको स्टैचू तक पहुँचने के लिए छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है, तो ट्रैक करने के बाद हम पहुँच गए और भाई वहाँ से हिमालयास का जो व्यू मिला हमें वो बहुत ही प्यारा था। तो ये रही वो स्टैचू भोलेनाथ की, इसके अलावा साइड में इन हिमालयास को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं भाई साहब, कितने ह्यूज हैं ये हिमालयास। तो अभी हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। सो गाइस अभी मैं इस मूर्ति के जस्ट पास में हूँ और यहाँ से आप एक बार अंदाज़ा लगाओ कितनी बड़ी मूर्ति होगी। ये वाइड एंगल है, अगर मैं नॉर्मल करता हूँ तो मेरा हाथ देखो कैमरा में जस्टिस हो ही नहीं सकता, कितना प्यारा है ये। एज यू कैन सी पूरी हिमालयन रेंज यहाँ से नज़र आ रही है एंड बहुत ख़तरनाक, बहुत सही जगह पे है भाई ये। और पूरी मूर्ति के चारों तरफ ये शिवलिंग रखे हुए हैं और भाई इतनी हाइट पर है ये, मैं आपको उधर जाके दिखाता हूँ कि कितनी हाइट पर है ये। तो यहाँ से जो पोखरा सिटी है ना, पोखरा क्या यहाँ से जितनी भी दूर दूर के सारे ही सिटी नज़र आएंगे बिकॉज हम बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं। यहाँ पे आप देखो वो छोटा छोटा सा सिटी दिख रहा है ना, वही है। और जैसे कि मैंने बताया इस टेम्पल के चारों तरफ ये रखे हुए हैं शिवलिंगास, तो भाई ओ माय गॉड। बाकी सामने ये इतना जाइंट सा डमरू रखा है और सामने हमारे है प्यारी सी हिमालयन रेंज, अन्नपूर्णा बेस कैंप, कंचनजंगा और भी बहुत सारी रेंज यहाँ से दिखती है। और भाई अभी वहाँ पे ना सनलाइट पड़ रही है तो रेड रेड दिख रहा है, तो बहुत प्यारा लग रहा है, कहाँ आ गया मैं। और वो रहा वो शांति स्तूपा, और उससे आप सोच सकते हो वो इतना छोटा दिख रहा है, तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं। ओह माय गॉड, हर हर महादेव के अलावा कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ, क्या बात है, दिल खुश हो गया मेरा स्टैचू को देख के। जय भोलेनाथ। यहाँ पर सनसेट होने वाला था जिसकी वजह से जो हिमालयास की चोटियाँ हैं उन पर सनलाइट पड़ रही थी, जिनकी वजह से वो रेड दिख रहे थे और वो इतने प्यारे लग रहे थे ना कि मन कर रहा था कि बस देखता जाऊँ मैं इन्हें। तो इससे पहले जो हमने तीन टूरिस्ट प्लेसेस कवर करे थे उनमें से सबसे प्यारी जगह मुझे यही लगी, बिकॉज़ यहाँ से जो नज़ारे हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। बाकी भोलेनाथ की मूर्ति एंड यहाँ का ओवरऑल जो एम्बियंस था, जो माहौल था, वो बहुत अच्छा था, बहुत स्पिरिचुअल था। काफ़ी टाइम हम लोगों ने वहाँ पर स्पेंड करा, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आ गए। तो कुछ इस तरीके से हमने पोखरा में अपना पहला दिन स्पेंड किया इन चारों टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने में। तो भाई आपने इतनी लंबी वीडियो देख ली है तो जाहिर सी बात है पसंद तो आई होगी, तो लाइक कर दो यार, क्या दिक्कत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम पोखरा में और कुछ एडवेंचरस करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।